हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं गोभी के पकौड़े, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और वो बहुत ही कम टाइम में बन जाएंगे। जब भी आपको चटपटा और हेल्दी खाने का कुछ मन करे तो आप ये बना सकते हैं। अपने घर के जो भी आपके पास है उसी कम सामग्री में आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए ऑफकोर्स गोभी, जो मैंने काट के उसको बॉईल कर लिए हैं। ये हाफ़ बॉईल्ड हो चुके हैं क्योंकि मैंने बड़े बड़े गोभी के पीसेस लिए हैं। तो अगर ये मैं इनका कच्चा पकौड़ा बनाती तो ये अंदर से कभी पकते नहीं पकते, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास है अदरक और लहसुन कद्दूकस किए हुए, क्रश किए हुए, और मैंने हरी मिर्च भी ले ली है बारीक काटी हुई। और मुझे चाहिए बेसन और मैंने थोड़ा सा चावल का आटा भी लिया है, वो हम अंदाजे से डालेंगे कितना क्या चाहिए। तो अभी हम इसका बैटर बनाते हैं। इस बैटर को बनाने के लिए हमने जो यहाँ पे लहसुन और अदरक कद्दूकस किए हैं वो डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 3 कलियाँ ली है लहसुन की और थोड़ा सा अदरक लिया है, और ये मिर्ची भी हम लोग डाल देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे बेसन। यहाँ पे मैंने 1 वाटी बेसन लिया है। और मैं इसमें डालूंगी चावल का आटा, माने राइस फ्लोर। राइस फ्लोर डालने से क्या होता है, ये जो हमारे पकोड़े हैं ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। बेसन डालने से बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे पकोड़े जो है कभी कभी नरम लगने लगते हैं, तो वो क्रंची फ्लेवर नहीं आ पाता है। तो ये चावल का आटा डालने से जो आपको क्रंची फ्लेवर चाहिए वो आपको मिल जाएगा। और अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा सूजी भी ऐड कर सकते हैं। और हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, किसी को ज़्यादा नमकीन पसंद है, किसी को कम नमकीन पसंद है, उसके हिसाब से। हल्दी हम इसे थोड़ा सा मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। ये जो बैटर है ये हमें ज़्यादा घना नहीं रखना है, ये बैटर हमें पतला ही चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं। अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो बैटर पूरा तेल पे टपकेगा और वो कोट अच्छे से नहीं होगा गोभी से। तो इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। और कोई भी आप पकोड़ा या कटलेट बनाए उसका जो बैटर है वो आपको बहुत अच्छे से फेंटना है। देखिए हमारा घोल बनके रेडी है। ये ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, इतना इतना कंसिस्टेंसी चाहिए हमको, क्योंकि इस पर हमको ये गोभी है, गोभी को अच्छे से कोट करना है इसलिए। और यहाँ हमने तेल बिठा दिया है कढ़ाई पे, जो अभी गर्म हो रहा है, तो तब तक हम इन गोभी को इसमें डिप कर लेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से इस पर कोट करना है। ज़्यादा पतला होगा तो फिर आपका बैटर सब कोट अच्छे से नहीं होगा और पूरा टपकेगा और खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। इस पकोड़े को आप सॉस के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर ऐसे भी खा सकते हैं।
अगर आपके घर में कभी कोई पार्टी हो तो आप कोई आप ये स्टार्टर के तरह भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आपके बच्चे अगर कुछ क्रंची कुछ खाने का स्नैक्स खाने के लिए उनको मन कर रहा हो तो भी आप बना सकते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको, और आपको एक सेटिस्फेक्शन भी लगे रहेगा कि आपके बच्चे हेल्दी खा रहे हैं। तेल गरम हो चुका है यहाँ पे, तो अब हम एक एक करके पकौड़े अभी हम इस तेल में हमने जो बैटर गोभी पे लेयर किया था वो एक एक करके दे देंगे। थोड़ा सा बैटर बच गया है वो मैं ऐसे ही तेल में दे दूँगी, उसके भी पकोड़े बन जाएंगे। मसाले तो डाले हुए हैं उसमें पहले से, सिर्फ गोभी कम पड़ गया। अभी हम इन पकौड़ों को पलट लेंगे बारी बारी। इनको एकदम गोल्डन होने तक आपको घाई नहीं करना है, स्लोली फ्राई करना है। अब जब हम स्लो फ्राई करते हैं तो वो अच्छी तरह से हर तरफ से पक जाते हैं, और अगर हम घाई करेंगे तो कुछ एक साइड से कच्चे रह जाएंगे एक साइड से पक जाएंगे, तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये जो स्नैक्स है ये आप स्टार्टर में यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके घर में डिनर पार्टी हो लंच पार्टी हो तो जब आपके गेस्ट आएंगे तो स्टार्टर में सलाद के साथ सॉस चटनी के साथ इसको पहले सर्व कर सकते हैं, उसके बाद अपना जो मेन कोर्स है वो दे सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, एफर्ट भी कम लगता है, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी ऑप्शन है। ये हमारे पकोड़े फ्राई होके रेडी है, देखिए आप कलर गोल्डन हो चुके हैं ये। जब आप इनको थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे पहले कॉलीफ्लावर को तो वो ऐसे भी फ्राई होने में ज़्यादा टाइम लेते नहीं हैं और झटपट बन जाएंगे। अगर आप आपको गरम गरम भी किसी को खिलाना हो तो आप पहले से बैटर रेडी करके रख दीजिए, कॉलीफ्लावर को बॉईल करके रख दीजिए, और जब भी आपको सर्व करना हो बस आप तेल गरम करना है आपको और इसको फटाफट बना लेना है। तो अब हम इनको एक एक करके यहाँ उतार लेंगे। मैंने इस प्लेट में टिश्यू रखा है, जो भी एक्सेस ऑयल होगा इसमें वो टिश्यू में ऑब्जर्व हो जाएगा। आप अपने घर पे इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो हम इनको अभी उतार लेंगे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं।
और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, जैसे हमने बड़े बड़े पीसेस जैसे ही हमने बड़े बड़े पीसेस रखे थे वैसे ही हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं तेल में। तो देखिए कितने सुंदर बने हैं। तो आपको जब भी झटपट कोई स्नैक्स हेल्दी सा खाने का मन करे तो आप इसको घर में बनाएं, अपने फैमिली को खिलाएं और खुश रहे, अच्छे से अपने फैमिली का ध्यान रखे, अपना ध्यान रखे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।